एक बार फिर से चीन ने सीमा पर अपनी चालबाजियां शुरू कर दी हैं। डोकलाम में कुछ वक्त पहले हुए विवादों के बाद अब चीन ने एक नई तरकीब के तहत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। चीन की सेना यहाँ पर गांव बसा रही है, साथ ही कैंट क्षेत्र का भी विस्तार कर रही है। जाहिर है कि चीन ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो सीमा पर नागरिकों के साथ सेना की मौजूदगी में इजाफा कर सके और ये क्षेत्र सेना के रहने के अनुकूल रहे। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर चीन ने बड़ी बड़ी रिहायशी बिल्डिंगों के साथ साथ खेलने के लिए ग्राउंड समेत शॉपिंग मॉल का भी निर्माण करना शुरू कर दिया है ताकि ये जगह सेना के रहने के हिसाब से आरामदायक रहे। सीमा पर चीन की तरफ से हो रहे निर्माण का मकसद है कि इनका दोतरफा इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी ये बिल्डिंगें निर्माणाधीन हैं, यहाँ पर अभी कोई नहीं रह रहा है। खाली पड़े इन बिल्डिंगों का इस्तेमाल सेना और आम नागरिक दोनों करेंगे। चीन की तरफ से हो रहा ये निर्माण भारत के लिहाज से अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर भारत के साथ कभी भी तनाव की स्थिति बनती है तो चीन इस इलाके पर अपना दावा और मजबूती से पेश कर सकेगा। क्योंकि इस पूरे क्षेत्र पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पहले से ही पैनी नजर गड़ाए हुए है। गौरतलब है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर दोनों ही देशों के बीच स्थिति साफ नहीं है। सीमा पर इस क्षेत्र में अक्सर ही भारत और चीनी सेना के बीच झड़प होती रहती है। दोनों देशों की पेट्रोलिंग टुकड़ियों के बीच तनाव बना रहता है। LAC पर लगभग 2 दर्जन इमारतों का निर्माण कर लिया गया है। इस क्षेत्र का अधिकतर इलाका अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पूर्वी सेक्टर में है। चीन यहाँ पर होटल का भी निर्माण कर रहा है। इस रिहायशी इलाके में चीन आदिवासी लोगों को भी बसाने का प्लान बना रहा है। जाहिर है चीन की तरफ से चली गई ये चाल विवादों की वजह बन सकती है और ये कोई नई बात नहीं होगी। चीनी सैनिक आए दिन सीमा पर घुसपैठ जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। इन घुसपैठों को लेकर भारत ने कई बार आपत्ति भी जताई है, लेकिन एक बार फिर से चीन ने जो शुरुआत की है वो कभी भी नए विवाद को जन्म दे सकती है। ऐसे में चीन को भूलना नहीं चाहिए कि जैसे भारत ने डोकलाम में उसे जवाब दिया था, वैसे ही दूसरे जगहों पर वो ऐसा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।